भाजपा ने स्वतंत्र देव सिंह को उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया है। बैकवर्ड चेहरा होने के चलते भाजपा ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी। आइए हम आपको दिखाते हैं उनका सफर। आरएसएस में वो प्रचारक रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह पीएम मोदी की रैली होने के एक सप्ताह पहले ही उस स्थान पर डेरा डाल देते हैं, जिससे वो छोटे कार्यकर्ताओं में उत्साह और ऊर्जा का संचार करते हैं। कुशल संगठनकर्ता के रूप में उनकी पहचान रही है। स्वतंत्र देव सिंह के बारे में बताया जाता है कि वो विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए शहरों में जाकर वहीं काम जमीन में जुड़कर करने लगते थे। उनके पास बूथ से लेकर मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं की जानकारी है। आइए एक बार उनके सियासी सफर पर नजर डालिए। 1986 आरएसएस प्रचारक बने। 1988 से 89 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में संगठन मंत्री। 1991 भाजपा कानपुर के युवा शाखा के मोर्चा प्रभारी। 1994 बुंदेलखंड के युवा मोर्चा के प्रभारी। 1996 युवा मोर्चा का महामंत्री। 1998 फिर से भाजपा युवा मोर्चा का महामंत्री। 2001 भाजपा के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। 2004 विधान परिषद के सदस्य। 2004 प्रदेश महामंत्री बने। 2004 से 2014 तक दो बार प्रदेश महामंत्री। 2010 प्रदेश उपाध्यक्ष बने। 2012 से प्रदेश अध्यक्ष तक का महामंत्री और अब 2019 में वो प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। बता दें कि स्वतंत्र देव सिंह का पैतृक गांव मिर्जापुर है और वो यूपी कैबिनेट में मंत्री भी हैं। अब देखना होगा कि यूपी में उनका क्या जादू चलता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस यूपी को अभी सब्सक्राइब कीजिए।